रविवार को हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से 11वीं हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का संदेश देते हुए लगभग 2000 युवाओं ने मैराथन में दौड़ लगाई। 21 किलोमीटर की यह हाफ मैराथन ऐतिहासिक रिज मैदान से शुरू होकर हिप्पा कैंपस ढली में समाप्त हुई। इस हाफ मैराथन का शुभारंभ प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों से पुलिस के इस कार्यक्रम में सहयोग देते हुए हिमाचल को नशा मुक्त बनाने के लिए काम करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने पंचायतों के स्तर पर नशा मुक्ति कार्यक्रम चलाने की भी बात कही। लेकिन सबसे पहले तो मैं हिमाचल पुलिस को इसके लिए धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा कि उन्होंने नशा मुक्त हिमाचल का बनाने के लिए हाफ मैराथन की शुरुआत किया है। पिछली बार भी हुआ था और इस बार भी आप लोगों ने देखा होगा, बच्चों से लेकर के दिव्यांग जन तक जो है इस कार्यक्रम में है, इस दौड़ में है। और ये न केवल हिमाचल बल्कि बाहर से भी लोग आए हुए हैं यह संदेश देने के लिए कि हिमाचल को नशा मुक्त होना ही चाहिए। तो मैं अपील करता हूं कि हिमाचल के सभी वासियों से कि वह अपने अपने गांवों में पुलिस के इस अभियान को सहयोग देने के लिए कोई भी हो तो नशा मुक्त बनाने के लिए कार्य करें। वहीं शिमला पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने भी इस हाफ मैराथन पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को ड्रग्स के प्रति जागरूक करने का है। जिस तरह से नशे का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे में युवाओं और हर आयु वर्ग के लोगों में जागरूकता लाना जरूरी है। देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव है वो ड्रग्स के अगेंस्ट जो अवेकनिंग करने का है, और जिस प्रकार से नशे का जो दुष्प्रभाव हमारी सोसाइटी पे पड़ता जा रहा है उसको कॉम्बैट करने के लिए जो एक तरीका है लोगों को अवेयर और अवेकन करने का, तो युवाओं से और सभी वर्गों से आज पुलिस विभाग द्वारा ये आह्वान किया गया कि आइए एंड रन फॉर दी अगेंस्ट द ड्रग जो कैंपेन है। तो आज देखा आपने कि कितनी भारी संख्या में लोगों में उत्साह है और सभी लोगों ने यहाँ पे जो है हर एज के और हर वर्ग के लोगों ने इसमें हिस्सा ले रहे हैं और ऑनरेबल गवर्नर साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया है। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सोसाइटी में जो ड्रग्स का जिस प्रकार से बुरा दुष्प्रभाव पड़ता है और युवा पीढ़ी पर विशेष करके जिस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, उन सब चीज़ों की चुनौती से निपटने के लिए आम जनमानस को हम सचेत करें, अवेयर करें और एजुकेट करें, उस दिशा में एक प्रभावी और असरदार कदम रहता है। और साथ साथ में स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो बहुत ज़रूरी है आज के समय में, कि हमारा समय जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। और जो इतनी लंबी रेस भागेंगे उनको फिट होना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति ड्रग्स से प्रभावित है, इफेक्ट है, डेफिनेटली उसकी हेल्थ पे, फिजिकल फिटनेस पे फर्क पड़ता है। आपको बता दें कि 21 किलोमीटर लंबी इस मैराथन की शुरुआत रिज मैदान से हुई और मैराथन का अंतिम छोर हिप्पा कैंपस रहा। वहीं इस मैराथन में 2000 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।